गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और आज जुमा है तो आप सबको जुमा मुबारक बहुत बहुत। मैं हमेशा है ना एक दिन लेट ही बोलती हूँ आप लोगों को, याद ही नहीं रहता है मुझे ब्लॉग में बोलना। तो अभी सारे काम से फ्री हुई हूँ गाइस और बच्चे गए हैं तीनों माशाल्लाह नमाज पढ़ने। बिट्टू के रूम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया आज। गाइस मैंने तेल रख दिया है गरम और तोशिब भी आ चुका है नमाज पढ़ के। और आज ना इसका कंधा दर्द हो रहा है, इस साइड वाला इस देखा इसको, ये वाला कंधा इसका दर्द। चल चल चल। हाँ तो ये कंधा दर्द हो रहा है गाइस इसका। तो गाइस ये कंधा मेरा दर्द हो रहा है, ये तो हाथ है। चल तो अब लग रही तोशिब को भूख तो मैं नहीं लग रही। अच्छा अच्छा मैंने रोटी और पूरी दोनों बना ली। यहाँ चाय रख दी है तोशिब ने। गाइस मैं तैयार हो गई हूँ और खाना वाना सब हमने खा लिया था नमाज के बाद। बच्चे भी आ गए थे तो सबने खा लिया था खाना। और अभी नल भी आ रहे हैं लेकिन मैं जा रही मम्मी के यहाँ, जा नहीं पाई। मेरे यहाँ मेहमान आ गए थे तो मैं बैठ गई और ब्लॉग भी नहीं बना पाई। तो बस हम जा रहे हैं मम्मी के यहाँ। और सोना की कोचिंग की छुट्टी है तो सोना भी जा रहा है। और जर्किन नहीं पहन रहा था तो मैंने इसको तिल्ला तिल्ला के पहना दी है। तेल डालने के बाद ही होता है, तेल भी डालना ज़रूरी है सर में। और यहाँ तो सिर्फ तैयारी कर रहा है और नल आ रहे हैं तो भी हाँ। तो हम जा रहे हैं घर गाइस, अब रात हो गई है। तो गाइस मैं घर आ चुके हूँ और बहुत लेट हो गई मम्मी से बात करने लगी क्योंकि मुझे जाना था इस मम्मी को और हम साथ में जाएंगे बहन के घर आ रही है तो इसलिए बात बात करने में लेट हो गई। तो अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया, 9 बज गया। फटाफट मैं दाल चावल चढ़ाऊँगी। तो यहाँ जल्दी से मैंने चावल बघा रही हूँ फटाफट और यहाँ दाल का रख दिया है मैंने। तो दाल बना रही हूँ फटाफट, ये निकाल लिए है मैंने। गाइस मैंने जल्दी से पुरखा उतारा और फटाफट देखो ये डांस करता रहता है। दाल चावल चढ़ा दिए जल्दी से। भूख लग रही सोना? नहीं लग रही। तो फटाफट दाल चावल बन जाए और मैं चाय भी बना लेती हूँ जब तक मेरी। देखो मैंने बुरखा फटाफट उतार के फेंक दिया, मैंने सोचा बच्चों को भूख लग रही है। देखा ऐसे कपड़े फेंकते हैं। आज टाइम है ना बहुत ज़्यादा हो गया था गाइस, जल्दी आ रही थी लेकिन मम्मी ने बोला भी था लेकिन वहाँ मेथी बनी थी तो लाने से कोई मतलब नहीं था। बच्चों को थोड़ी कम पसंद है इसलिए मैंने लेकर आई। तो मुझे पता था कि दाल चावल जल्दी से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी 15-20 मिनट में तो दाल चावल बन जाएंगे। तो देखो दोनों भाई रिमोट के लिए लड़ रहे हैं। तोड़ देंगे मैंने पहले चालू करी। तो देखो इधर लड़ाई हो रही है, टीवी पहले मैंने चालू करी, मैंने चालू करी है। बदतमीज अपन इनके इतने बड़े बड़े हो गए लेकिन इनका बचपना नहीं गया अभी। बाय। हाँ तो आज का लोग यहीं पे खत्म। बाय। यहाँ चावल बन रहे हैं गाइस, तब तक मैं बर्तन वगैरह धो लेती हूँ क्योंकि चाय के बर्तन और ये भी पड़े हुए हैं। सारा ही काम मेरा उलट पुलट हो गया है बिल्कुल। तो यहाँ दाल भी बन चुकी है और रोटी रखी हुई है गाइस, तो ये मैं लेकर जा रही हूँ। तो गाइस बच्चे खाना खा रहे हैं उधर, मैंने भी खाया अभी और मैं आ गई हूँ किचन में। बर्तन धोना है मुझे, बर्तन पड़े हुए हैं देख सकते हो। तो बच्चे खाना खा रहे हैं, जब तक बर्तन धोती रहूँगी जब तक वो भी दे देंगे लाके। तो फटाफट और मेरा मन हो रहा है अभी चाय पीने का, तो मेरा ब्लैक टी बनाने का मन हो रहा है। तो मैं फटाफट ब्लैक टी बनाती हूँ पहले, उसके बाद फिर बर्तन धोऊँगी क्योंकि सारे बर्तन एक साथ धुल जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए, दिल से सपोर्ट करिए क्योंकि आपके 5 मिनट मेरी वीडियो, अगर आप 5 मिनट देखेंगे ना तो किसी की लाइफ बदल सकती है। तो प्लीज़ आपके सपोर्ट से मेरी लाइफ बदल सकती है, मेरे बच्चों की बदल सकती है। तो मैं आप लोगों से दिल से बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप हमारा सपोर्ट करें। सोना बर्तन ला रहा है, देखो दाल वाल सब गिराएगा और यहाँ हाँ गिर जाएगी। और यहाँ मेरी ब्लैक टी बन चुकी है तो अब बच्चों ने भी खाना खा लिया है तो मैं बर्तन धोऊँगी बस, ये रख देती हूँ बाकी का बचा हुआ खाना। तो गाइस खाने से निपट चुकी हूँ और बर्तन वगैरह सब धो दिए हैं, किचन साफ कर लिया मैंने और मुँह हाथ धोकर आई हूँ अभी सारे काम से फ्री होके। और देखो फैलावा कितना हो रहा है रूम में।
इधर बिस्तर पड़े, उधर पड़े बच्चे ना, सब अपने अपने हिसाब से खींच के ले गए उधर। और मुँह हाथ धो के और बर्तन धो रही थी ना, तो मुझे ठंड ऐसी लग रही है कि धुजनी चढ़ रही है मुझे। तो बस अब सोऊंगी गाइस, आज मैंने लाइव नहीं किया क्योंकि आज मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला, मम्मी को उधर गई बहुत लेट हो गई थी। तो बच्चे उधर देख रहे हैं बिग बॉस, तो आज तो मेरा छोटा सब लोग है, प्लीज़ पूरा देखिएगा और दिल से सपोर्ट करिएगा और पूरा वॉच करना, कमेंट करना। तो गाइस आज का वीडियो यहीं एंड कर देते हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और दुआओं में याद रखें इस बहन को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।